हाय, थैंक यू. मेरे लिए? आप ही के लिए, आपसे मिलने आया हूँ मैं. थैंक यू. हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अब ठीक हो गया हूँ. मैं आपको देख के पहले नहीं था ठीक. पहले कहाँ ठीक था यार, मैं इतने दिनों से आपसे मिला नहीं. ठीक है, सबसे पहली बात, सबसे पहले तो ये बताओ, आपने मेट्रो में मेरी वीडियो बनाई थी? यार मैं वही सब एक्सप्लेन नहीं, लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं मेरे पास वीडियो आ रही, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आपको मैंने मैसेज इसलिए किया था, पहले के बाल हटाओ यार अपना. पहले तो थैंक यू सो मच, आप मेरे से मिलने के लिए दोबारा से हाथ मिला जाऊँगा. थैंक यू सो मच, आप मिलने के लिए और मुझे अच्छा लगा. एक्चुअली यार मैं ना वीडियोस बनाता हूँ कभी कभार. वो मुझे दिख गया था कभी कभार, नहीं मैंने देख ली थी आईडी. अच्छा, सॉरी. एक्चुअली वीडियोस बनाता हूँ बट मैं, लेकिन आज आपसे मिलने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं सच में किसी से नहीं मिलता हूँ जिनके साथ वीडियोस बनाता हूँ. बट मुझे जो आपके साथ मैंने बातें करी थी, पता नहीं क्यों मुझे इतने दिनों बाद रियलाइज़ हुआ कि आपको मैंने मैसेज किया कि मेरे को आपसे मिलना है और आप मिलने के लिए भी, उसके लिए थैंक यू. और ये जनवरी में जो बातें करी थी वो, चलो उस समय मैंने मजाक करी थी, उसके लिए सॉरी. बट लेकिन रियल में ना मुझे बहुत अच्छे लगे यार आप. अच्छा, ऊपर से आप मेरे को मिलने के लिए भी आए, आपने माफ़ किया मुझे वीडियो के लिए. आज तो नहीं बना रहे? नहीं नहीं, पागल हो गया यार, आज क्यों बना. एक्चुअली ना मैं कभी किसी के साथ डेट पे आया नहीं. अच्छा, तो ये आज डेट पे आया, पहली बार है. मतलब डेट पे हूँ या नहीं पता नहीं आपको सही लगे या नहीं लगे, लेकिन मुझे जब मैंने आपको मैसेज किया ना आपसे मिलना है, तो मिलने वाला वो वाला मिलना नहीं है कि ऐसे ही मिलना है नॉर्मल. तो फिर कैसा वाला मिलना है? एक्चुअली ना मुझे आप ना सच में अच्छे लगे मुझे. अच्छा. थोड़ा टाइम लग गया मुझे ये सब बोलने में तो, बट वो सब बातें थी, वो था तो मैंने मजाक किया था, बट दिल से मेरे लिए है वो सब बातें. अच्छा, मजाक किया था पर दिल से है वो सब मेरी बातें. इन दोनों में स्टेटमेंट्स का क्या मतलब समझूं? ये सब प्यार समझो, प्यार. अच्छा, एक्चुअली मैं बोलूंगा तो आपको ये भी गलत ही लगे. एक्चुअली मुझे सच में आया आपसे प्यार हो गया था उस वक्त. अच्छा, आप हो इतने सुंदर, क्योंकि एक्चुअली मैंने इतनी लड़कियों के साथ तभी एक महीने बाद मैसेज किया. एक्चुअली मैं सोच नहीं रहा था कि क्या बोलूँ मैं आपको. अच्छा, कि आप तक वीडियो भी चली गई होगी. मैं नंबर भी था आपका, लेकिन कॉल करते वक्त ना मैंने हिम्मत नहीं हुई कि आपको कॉल करूँ डायरेक्ट. अच्छा, क्योंकि आपके पास था नहीं, मेरे पास नंबर था, तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया, मैसेज किया कि मुझे आपसे मिलना है. तो अच्छा, मैंने तभी आपको कल बोला था कॉल पे कि मैं एक्सप्लेन कर दूँगा आपको कल सब कुछ. तो ये था. कोई बात नहीं, आई फॉरगिव यू. मेरे को आपसे ऐसा, आपने क्या बोला अभी? I forgive you. अच्छा, मुझे आपने, मेरे को लगा कि आपने बोला I love you. यार एक्चुअली सच में ना यार, उस दिन आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी ना, मैं सपनों में आ रहे थे मेरी सब चीजें आपकी. अच्छा, आप क्या सपने में? मैं सपने में आई, सपने में आया कि आपने बोला था मुझे गाड़ी में घुमाओगे. हाँ, तो मैं आपकी गाड़ी में बैठा हूँ पीछे वाली. अच्छा, सीट पे, नहीं सॉरी, बगल वाली सीट पर. आप गाड़ी चला रहे हो करके, और एकदम से आप यू हुए तो आपका ना कंधा मेरे कंधे से टच हुआ, तो बड़ी फीलिंग सी आई मेरे को. फील आता ना वो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. बट अगर आप मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए तो आपको सपने तो कभी नहीं आएंगे. क्यों? क्यों ऊपर पहुंचोगे सीधा? ऐसे मत पहुंचो. लेकिन हाँ, कोई इशू नहीं, अगर आपके साथ डायरेक्ट जाने का मौका मिलेगा. अच्छा, आप भी चलो ना साथ में ऊपर पे, क्या पता बच जाओ. अरे कुछ ऐसा होने वाला नहीं है. लेकिन आपने मुझे बोला था कि आप मुझे गाड़ी में घुमाओगे. हाँ, तो गाड़ी लाए हो ना? नहीं, मैं कैब से आई हूँ अभी. तो मैं भी यार, मैंने अभी गाड़ी ठोक दी थी ना, बताया तो यार था. मैंने आपको बोला था ना मेरा सपना है कोई लड़की मुझे गाड़ी में बिठाए. मेरे पास खुद के पास गाड़ी नहीं है. आप तो सीख रही होगी. सीख रहे हो? फिर तो सीखो यार गाड़ी, क्योंकि मेरे पास गाड़ी है नहीं. लेकिन आपका प्यार अगर मुझे मिले ना, सच बता रहा हूँ मैं, आप मैं इतना खुश रखूंगा आपको और गाड़ी खरीद लूंगा मैं. अच्छा, आपके लिए जो भी आपको पसंद हो, थार या जो भी, सच में ले लूंगा. अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बट मेरे को एक प्यार चाहिए था अपनी लाइफ में. ये सब चीज़ें के लिए मुझे माफ़ करना, मेरा काम ही था वो वीडियोस बनाना. नहीं, कोई बात नहीं. लेकिन सच में मैं आपसे पहली बार मिलने आया हूँ, किसी लड़की से मैं मिलने नहीं गया. मान लिया. तो आपने जो बातें करी थी वो सच थी ना वैसे, या आपने मजाक कर रहे? नहीं नहीं, मुझे तो ना पता था क्या वीडियो बना रहे हो. तो बोल रहा हूँ ना, आपकी बातें तो सच थी ना, कि आप सिंगल हो और 19 साल के हो आप, लेकिन लगते नहीं हो. मैं आधार कार्ड दिखा देती हूं. एक्चुअली कमेंट्स आए थे ना उस वीडियो में कि आप 19 देख रही थी कि 19 के मैं अभी हुई हूं अगस्त में 19. अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपने जो सिंगल बोला था वो तो सच है ना आपका, कि आप सिंगल हो. बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर दोबारा से. मैंने सोचा नहीं था आप आओगे. तो आपने घर पे भी देखी किसी ने वीडियोस आपकी? क्या? हाँ, मम्मी पापा ने देखी थी. उस समय तो आपका कलर कुछ और था आंखों का यार. आंखों? हाँ, तो लेंसेज लगाई है ना मैंने. यार ऐसे मत लगाया करो, डूब जाऊंगा मैं ऐसे. मैंने आपने कुछ ऑर्डर किया नहीं क्या? क्या पर? हाँ मैंने कर रखा है. अकेले के लिए कर लिया ना आपने? अरे तो मुझे लगा कि आप आओगे तो तब तक आपके लिए रेडी हो जाए. बोले इतना प्यार? हाँ. हाँ भी बोल दिया आपने. क्या क्या किया वैसे ऑर्डर आपने? मैंने अभी पिज्ज़ा ही किया है बस. अच्छा लगता है ना पिज्ज़ा? अरे आपके हाथों से तो जहर भी अच्छा लगे मुझे, मतलब अच्छा लगता है. इतना बड़ा पिज्ज़ा तो मैंने पहली बार देखा नहीं. सच में पिज्ज़ा तो क्या है? ऐसा लग रहा है रोटी को बड़ा कर दिया हो. तो कैसे खाते हैं इसको? एक्चुअली मैं पिज्ज़ा खाता नहीं हूँ ना ज़्यादा, ये महंगे में.
सर भैया आप मत करो ना प्लीज, मैं एक्चुअली इनसे मिलने के लिए आया, मैं इनको प्यार हो गया मुझे इनसे ना पहली बार, तो मैं चाह रहा हूँ ये अपने हाथों से करें, क्योंकि अगर हमारी शादी होती है शादी के बाद तो अलग बात है, अभी आपके हाथों से सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा बोल देता हूँ ना सॉरी, आप करो कैसे करते हैं आपको। वाह कितने प्यारे प्यारे हाथ हैं आपके यार, ऐसे काटना होता है इसको वो, वरना वो चीज वो है ना यार, आपको ये आपके गाल इतने गुलाबी गुलाबी कैसे हो रहे हैं यार, ज्यादा ही गोरे हो। गोरे का यार क्या है, उनसे ही डलवा लेते। अरे नहीं यार आपके हाथों से डल वाला, आपके हाथों से खा। ये क्या निकल रहा है ये वाइट, ये मोज़रेला चीज। अच्छा आप तो घर पे भी बना लेते हो ये सब? मम्मी बनाती हैं। कितनी अच्छी सास हुआ होगी हमारी अगर हमारी शादी हो जाए तो। ये इसको कैसे खाते हैं? अच्छा हाथों से। आपने पिज्जा नहीं खाया कभी? खाया बट ऐसी महंगी जगह पे नहीं खाया ना, तो पिज्जा पिज्जा ही होता है या डोमिनोज से खाओ या कहीं से। आपको तो ऐसी आदत हो गई ऐसी महंगी महंगी जगह पे जाने की यार, ऐसी कोई बात। ये आप खिला रहे हो मुझे? हाँ मैं खिला रही हूँ। कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड हो जाएगी अगर ऐसी हो तो मेरे कैसे हो यार। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं अपना, मुझे पहले तो गलत से जो भी समझा होगा उसको छोड़ दो, तो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये मेरा काम है। अगर आप अच्छे हो मतलब आप समझते हो ये काम को नॉर्मली, मतलब जैसे सपोज करो आप मेरी गर्लफ्रेंड बनती हो तो आप, मैं अगर लड़कियों के साथ वीडियोस बना रहा हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मतलब बनते हो गर्लफ्रेंड, मतलब बन सकते हो? नहीं मतलब अगर बनती हो तो नहीं होगी प्रॉब्लम की, ऑफ कोर्स प्रोफेशनल वर्क है ना यार। तो मैं ऐसी लड़की चाहता था जिसको मेरे काम से प्रॉब्लम ना हो। मैं तो शॉक्ड हो रहा हूँ कि मैं पहली बार, मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, रात को सपना आया ना जब से गाड़ी आप चला रहे थे तो मैंने गलती से ना आपके गाल पे किस कर दी थी गलती से। अरे गलती आप चला रहे थे गलती से हो गई थी, तो तब से ना मैं बेचैन हो रहा हूँ उससे मिलने के लिए। अच्छा। तो मैंने आपको मैसेज किया आप मिलने आओ मुझसे। अच्छा। अब खाओ ना इसको। हाँ मैं खा रही हूँ, मुझे लगा इससे चाहिए जो मर्जी डाल दो आप तो यार। एक्चुअली मैंने कभी किसी लड़की ने मेरे को खिलाया नहीं ना अपने हाथों से, बस यही मेरे को लग रहा है सपना पूरा हो जाएगा थोड़ा सा। थोड़ा सा टेस्ट करा देते आप पहली बार अपने हाथों से। सॉस के साथ खाओगे या बिना सॉस? मैं आपके हाथ के साथ खाऊंगा बस, आपके हाथ से मिल जाए गरम होगा। एक्चुअली ना मैंने टीवी एड्स में देखा है कि इसमें से वाइट वाइट निकलता है, मतलब खींचते निकलता है रबड़ जैसा, रियल अब ना बुरा लगेगा ऐसा ना कि आप अब आपने खाओगे मेरे हाथ से मुझे खिला दो। कितने प्यार से बोल रहे हो खिला दो, मैंने भी पहली बार किसी लड़की को खिलाया। कितना अच्छा हो जाएगा ना अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो ऐसे खुश रहेंगे रब ने बना दी जोड़ी। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। हिया में रब दिखता है, आपका नाम हिया था ना? नाम ही भूल गए। नहीं मुझे याद है हिया, कंफर्म करो हिया था ना? नहीं नहीं एक्चुअली उस दिन हम मिले थे, उसके बाद से मिले नहीं ना, फिर आपको देखा सपने में तो एकदम से याद आया। अच्छा बड़ा अच्छा लग रहा है, बिना मतलब नाम कंफर्म किया आप आ गए। सॉरी यार पहली बार मैं तो सॉस पास, ये तो बड़ा महंगा हुआ क्या पता नहीं मैंने साइड में बस। सब कुछ काम पहली बार हो रहे हैं मेरे, पता है मतलब ऐसे डेट पे पहले आ रहा हूँ पिज्जा किसी लड़की के साथ पहली बार खा रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं अब खाते रहो। तो आपके साथ और क्या क्या हुआ वीडियो के बाद? किसी ने भेजी आपने कुछ, किसी ने कुछ? मैं तो बोल दिया मैं नहीं हूँ आदो को। कितनी अच्छी लग रही है यार, सपना तो नहीं? नहीं मैं एक वीडियो बना लेता हूँ अपनी याद के लिए। देखो वैसे तो आप वीडियो बना नहीं सकता मैं, है ना, क्योंकि उस दिन बना ली। एक मैं फोन में बना लेता हूँ अपनी याद के लिए। बना लो। एक्चुअली मैं मम्मी को बता के आया हूँ। क्या? मैंने मम्मी को, मैं डेट पे जा रहा हूँ, मतलब मम्मी को मेरी परेशानी रहती है शादी के लिए, वो बात सच है, सच में परेशानी रहती है। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं एक लड़की है क्यूट सी हिया नाम की, उसके साथ मैं डेट पे जा रहा हूँ। तो मम्मी मम्मी बोले जाओ बेटा, क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको वीडियो में दिखा दी ना मम्मी शॉक्ड हो गई तेरी इतनी सुंदर लड़की। तो मैंने हाँ वो बहुत सुंदर लड़की है, तो मैं बता देता हूँ एक्चुअली मैं सबको लगता हूँ मैं डेट पे जा नहीं सकता किसी लड़की के साथ। एक छोटी सी वीडियो बना लो, हाँ ऐसे बाल आगे कर लेता ना बहुत सुंदर लगता है पता है। मम्मी जिस लड़की के साथ मैं आज डेट पे आया आपको भी लगता था मैं कभी किसी लड़की के साथ डेट पे नहीं जा सकता ना, तो मैंने एक लड़की के साथ वीडियो बनाई थी, आज मैं पहली बार एक लड़की उस लड़की के साथ डेट पे आया, मैं दिखाने वाला हूँ उस सुंदर सी लड़की को जो कि होने वाली बीबी भी हो सकती है मेरी अगर वो हाँ बोले तो।
नमस्ते आंटी। देख लो नमस्ते कर रही है, पैरीपोना करो ना मम्मी को। पैरीपोना। देखो आशीर्वाद दो अपने बहू को, इतनी सुंदर लड़की मैंने अपने सपनों में भी देखी थी और आज वो मेरे साथ बैठ के पिज्जा खिला रही है मेरे को, और यकीन नहीं आ रहा। एक बार प्लीज मम्मी के सामने थोड़ा सा और खिलाओ ना मुझे। ये देखो इतनी सुंदर लड़की मेरे को पिज्जा खिला रही है अपने हाथों से। मम्मी ये खाना बनाएगी आपके लिए, सब काम आते हैं, इतनी सुंदर है। देख लो खाना बनाना नहीं आता। मम्मी मैं सिखा दूंगा खाना बनाना, लेकिन देखो इतनी सुंदर लड़की होगी, खाना नहीं बनाना आता वो भी चलेगा। बाय बोल दो मुझे। बाय मम्मी, अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर घूमने के लिए इनके साथ, ठीक है? बाय बाय। अच्छा एक बात और देना बोलनी थी एक्चुअली ना, मैं कैमरे में बोलना चाहता हूँ, ये याद रखना चाहता हूँ मैं। आप ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा। उस दिन के बाद से मुझे सच में आप रियलाइज हुआ कि आपके साथ वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, रियल में बोलना चाहता हूँ मैं आपको। अच्छा। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आई लव यू। ओके बोल। हाँ मतलब अब देखते हैं, करते हैं बातचीत, आगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे ना, मतलब हो सकता है ना हमारी गर्ल। हाँ थैंक यू। हाँ मम्मी हाँ बोल दिया। एक्चुअली मैं यादें रखना चाहता हूँ। अच्छा तो अभी मम्मी को भेजो। खाओ ना। खा रही हूँ। और बताओ आप अपने बारे में कुछ। क्या बताऊँ, गाड़ी क्यों नहीं लेके आए? बताया तो था, ठोक दी है गाड़ी मैंने अपनी। कैसे? गेट बंद था, वॉचमैन ने गेट एक खोला दूसरा वाला नहीं खोला, मैं गाड़ी बाहर निकाल रही थी, वो एंगल बना नहीं सही पीछे वाली गेट। यार आप इतनी सुंदर हो ना, इतनी सुंदर सुंदर बातें करती हो ना, ठोकने वाली बात भी ना मुझे ऐसा लगा कुछ आपने अचीवमेंट करी हो कुछ। मैं तो चाहता हूँ मैं इतना पैसा कमाऊँ आपके लिए ना, गाड़ियाँ खड़ी कर दूँ ठुकवाने के लिए। सोच के साथ कैसा लगता है हर दिन, मतलब नई कार विद न्यू कलर आउटफिट के साथ सेम कार ठुकूंगी। तो इतनी सुंदर हो, कैसे हो यार, ये क्या लगा रखा आपने आंखों में, इतनी बड़ी बड़ी लग रही है पलके आपकी। लैशेज है। अच्छा ये अलग से लगवाते हैं? हाँ। अरे सुंदर लड़की मिली है मेरे को यार। एक्चुअली ना यार आप सुंदर तो हो ही, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ना अच्छा लड़का हूँ, वीडियोस बनाना मेरी मजबूरी है, जो भी मेरा काम है। बट अब आपके साथ मैं जनरली जैसे मिलने के लिए आया तो मुझे लगा नहीं था आप डेट पे जाओगे, तो मैं किसी के साथ गया भी नहीं। आई लव यू बोलना चाहता था। कितनी बार बोलोगे? अब मैं हमेशा बोलता रहूँगा। एक आप बाल कलर उस समय भी थे ना आप? अभी बस थोड़े ऐड ऑन करा लिए, अब तो फेड हो गए हैं वरना। अच्छा ऐसा कि ये देखो यार मेरे को बड़ा दिक्कत होती है, आपको मेरी लैशेस मत निकाल देना। नहीं कुछ भी नहीं निकाल रहा, बस ये बाल परेशान कर रहे हैं ना, मुझे अच्छा लगता है। हाँ वो आ जाते हैं कभी कभार आगे। अच्छा एक बात बोलूँ आपको? चलो कुछ नहीं। क्या हो गया? नहीं नहीं बस बोल दो। खाओ आप अभी, क्या फ्री हो? क्या आप यहाँ पे आए हो तो मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे हमारा एंड ना हो, मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ कहीं और भी चलूँ। तो ना एक लव वाली पिक्चर लगी हुई है जो बहुत पुरानी है, जो दोबारा री रिलीज हुई है। तो मैंने नहीं देखी हो। नहीं पिक्चर का नाम बताऊँगा, देखी होगी आपने। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ मैं वो पिक्चर देखूँ। अच्छा सॉरी आपके सामने बोलने में थोड़ा अजीब सा लगा, मूवी का नाम है वीर जारा। नहीं देखी? ऐसे मत बोल देना आपने देखी है। हद कर दी यार आपने, वीर जारा नहीं देखी? अभी थिएटर्स में आ रखी हैं। आपके बाल आगे आ रहे हैं थोड़े सा, बड़े अच्छे लग रहे हैं। आपने पिक्चर बोली थी वीर जारा, तेरे लिए हम हैं जिए हर आंसू पिए, दिल में मगर चलते रहे ख्वाबों के दिए तेरे लिए। नहीं देखे आपने? गाने भी नहीं सुने? हद होती है यार, पुरानी मूवीज में ज्यादा देखती हूं। शाहरुख खान की इतनी अच्छी मूवी है यार, ये गाना भी नहीं सुना? पुरानी होगी ना बहुत। पुरानी तो है, 2004 की पिक्चर थी, बट अब रिलीज हुई है। मैं बॉर्न ही 2005 में हुई हूं। मैं क्या बोल रहा हूं यार, 2005 में तो मुझे लग रहा है मैं इधर-उधर कुछ खेल रहा हूं। तो ठीक है आपने नहीं देखी, अच्छी बात है, तो आपको मैं दिखाने लेके चल रहा हूं, ठीक है? वीर जारा के मैं अभी चल रहे हैं, वीर जारा आपको देखने के बाद ना आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। अच्छा एक तो शाहरुख खान ने रोमांस है उसमें, बहुत अच्छे से गाने। चलो ठीक है ये गाना तो सुनेगा, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता, तो हर जगह चलता है 26 जनवरी। नहीं अच्छी बात है, खाओ ना आपको और अच्छा लगेगा फिर। हाँ ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट थी, जब हम थोड़े साथ में बैठ के देखे ना तो मुझे ना सपने में आया था ना ऐसा लगता है आपके साथ ही, तो मैं हल्का सा हाथ रख सकता हूँ ना वो थिएटर में आपके, हल्का सा
ठीक है कितनी अच्छी लड़की मिली है हर चीज के लिए ठीक है ठीक है बोलिए तो ये खाओ फिर चल रहे हाँ ठीक है डन चलो पिज्जा पैक करा ले बहुत भी ज्यादा है हाँ मेरा मन नहीं कर रहा बाहर खाने का चुपके से अंदर ले जाएंगे अंदर खाएंगे ये आप ही लेके जाना अगर पकड़ी गई ना मैं अपनी बेइज्जती नहीं करा रही कोई नहीं मैं कराऊंगा अपनी बेइज्जती टेंशन मत लो आपके सामने मैं सब कुछ मैं करवाऊंगा बस ये कि मेरा सपना पूरा हो जाए वैसे आपकी जैसे घर पे शादी उदी की बात तो अभी होती नहीं होगी नहीं लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं वेट करूँ आपका थोड़ी एज में से मेरी ज्यादा है तो आपका शादी वादी का प्लान है कुछ आगे जाके जब होगी तो उससे पहले हम रिलेशनशिप में रहेंगे तो अच्छा लगेगा आपको जो चीज होगी मैं आपको खुशी बस खुश करना चाहूंगा मैं हमेशा आपको कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा एक्चुअली अरे यार एक्चुअली डेट पे नहीं आया ना मुझे पता नहीं तो बातें क्या करते हैं डेट पे थोड़ा तो बताओ आप गए होगे डेट पे कभी नहीं आप भी नहीं गए तो बातें क्या करते हैं लड़का लड़की यही जो हम कर रहे हैं तब से बस तो आपको मेरी ये बातें बेवकूफ़ी तो नहीं लग रही ना नहीं प्यारी लग रही है ना बताओ यार जाने से पहले एक तो एक बोल देता पिज्जा पैक करा दे बोल दो इनको पैक करा देना मैं कितनी धीरे बोलते हैं आप इस में ना जैसे चिल्लाते थोड़ा नहीं प्यार ना होना हो तो भी हो जाए मैं ना थोड़ी सी अजीब सी बातें करती हूँ उसके लिए सॉरी रियल लाइफ में भी ऐसे हो पिज्जा पैक कर देना हमारी जोड़ी कैसी लग रही है अच्छी लग रही है ना थैंक यू फिर मैं आपको जाने से पहले अपने हाथ से देना चाहूँगा जैसे देते नहीं बैठ के देते हैं ना जैसे उधर आके दूँ मैं आपको फिर चल रहे हैं वो भी देखने चल रहे हैं ठीक है ठीक अच्छा एक काम करते हैं कैब वाले को बोल देंगे कि आप गाड़ी चलाओगी नहीं 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 उसका लाइसेंस भी बैन हो जाएगा देखो 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 अपना हाथ दे दोगे थोड़े गंदे हाथ है मेरे एक्चुअली ना सच में आप मुझे बहुत अच्छे लगे थे मैं आपको वहाँ पे मिला था मेट्रो में और मैंने आप ही को मैसेज किया सच में आप मेरी वीडियोस देख लेना मैं किसी लड़की के साथ डेट पे नहीं गया फर्स्ट टाइम आप ही आपके साथ मिलने के लिए आया हूँ अच्छा। क्योंकि आप मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छे क्या बोलते हैं जेन्युइनली जेन्युइनली हाँ जेन्युइनली थोड़ी इंग्लिश कमजोर आपको पहले ही हुआ था आई लव यू प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट ही बोल देना हाँ थोड़ा इंग्लिश भी सिखा देना मुझे ना कार के साथ साथ ठीक है वैसे तो किस भी करते हैं बट कोई नहीं मैं आपके साथ बाद में जब हमारा रिलेशन अच्छा होगा ना तब करेंगे ठीक है चलते हैं चले हाँ चलो 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 ये थोड़ा सा खा लो ना दो कुछ भी अधूरा मत छोड़ा करो चलो 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 ये आराम से वाला हाथ धो ना अपना मेरे हाथ पकड़ के चलो मेरे हील मैंने खोल रखी है अच्छा चलो हाथ दो अपना अब हमेशा ऐसे हाथ पकड़ के रखूंगा मैं आपका ठीक है